मेरे बी ए इसके बी एड है, वो स्टूडेंट आर आर के ही हैं। ये 2018 की शिकायत है किसी की, सतर्क काम दे रखी है ये किसी 2018 की है, किसी की लाया हुआ मेरी नहीं। ये सी बी एम टैग हुआ, वो रिपोर्ट है उसकी भ्रष्टाचार। क्या नाम है आपका, कहाँ से आया और क्या हुआ है? जी सर, मेरा नाम सोन लाल है, मैं सेडवा से आया हूँ। सेडवा में आर आर महाविद्यालय और आर आर टी टी कॉलेज दो बी और बी एड की मान्यता दे रखी है, और वो ओनली कागजों में चल रही है कॉलेज। वहाँ सेडवा में इसका ऑफिस तक नहीं है, ये एक ऑफिस है इसका जो चौटन महावाकल मालानी में, छः कॉलेज वहाँ एक जगह चलाता है और जयनारायण व्यास की मेहरबानी से चला रहे हैं। और गर्ल पी जी कॉलेज है जो इसके अधीन आती है, वो जाँच करते हैं, वो भी कुछ कदम नहीं उठा रहे हैं। आज कलेक्टर सतर्कता दी और उसकी भी जाँच एस टी एम और तहसीलदार पटवारी ने सेड़ा से करके इनके खिलाफ है, जो वहाँ पर कोई ऑफिस या साइन बोर्ड तक नहीं है सेड़ा में, सब अफसरों की मेहरबानी से चल रही है। क्या आपको क्या परेशानी, स्टूडेंट्स को क्या परेशानी हो रही? स्टूडेंट को ये परेशानी, हम जैसे सेडवा के स्टूडेंट है, सेडवा के निवासी है, सौंदरी हमारा गांव 10 किलोमीटर है, तो हम नज़दीक होने के लिए हमने कॉलेज वहाँ सेडवा ली कि हम यहाँ पढ़ाई करेंगे। सेडवा अभी यहाँ कॉलेज या ऑफिस तक नहीं है, तो हम पढ़ाई कहाँ करें? इससे पहले आपने शिकायत की है? जी सर, इससे पहले ही हमने शिकायत की थी, तो एस टी एम को जापान दिया वहाँ सेडवा में, एंड फिर यहाँ कलेक्ट को दिया। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है कॉलेज के खिलाफ, और ये रिश्वत भ्रष्टाचार ब्यूरो में ये गिरफ्तार हो चुका है, और ये 25,000 हर छात्र से डोनेशन ले रहा है। ये कब से चल रही है ये? जी सर, ये 2018 से चल रही है, 2018 के बाद में इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है।